बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम माहे रमज़ान मुआरिफ़े कुरान में आपका मेज़बान मोहम्मद अरसलान फ़ारूक। नाज़रीन, रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे के अंदर एक रात ऐसी आती है जिसको हज़ार महीनों से अफजल करार दिया गया, वो रात लैलतुल कदर की रात है। उसको आखिर अशरे के अंदर ताक रातों के अंदर हमने तलाश करना है। उसको तलाश करने के जो दीगर जो उसमें हमें कौन कौन सी ऐसी निशानियां हैं जो मिलती हैं कि वो कैसे तलाश की जाएगी, दीगर उसके अंदर जो एहतियातें हैं उसके ऊपर भी बात करेंगे, और फिर थोड़ी सी बात होगी उसके फ़ज़ाइल के ऊपर कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस रात को ख़ुसूसी तौर पर जो फजीलत वाली रात बनाया उसके पीछे क्या ख़ास रीज़न क्या है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और फिर अगर हम उस रात को पा लेते हैं तो फिर उस रात को पाने के बाद हमने अल्लाह से दुआ क्या करनी है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। मेरे साथ जो मेहमान शख्सियात तशरीफ़ रखते हैं उनमें अलामा सबतैन अकबर साहब, सर बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के अंदर ज्वाइन करने के लिए। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं मुफ्ती अब्दुल शकूर हकानी साहब, मुफ्ती साहब आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के अंदर ज्वाइन करने के लिए। अलामा सबतैन सब्जवारी साहब, मैं आपके पास सबसे पहले जाना चाहूँगा, और रमज़ान मुबारक का ये आखिरी अशरा हमारे दरमियान मौजूद है, इसकी खसूसी अहमियत और फजीलत तो अपनी जगह पर है, लेकिन इसमें एक ताक रात भी है, लैलतुल कदर की रात है। उसको ताक रातों में से एक रात लैलतुल कदर की रात है जिसको हज़ार महीनों से भी अफजल करार दिया गया। इस रात को कुरान मजीद जैसा अनमोल तोहफ़ा जो है वो हमें मिलता है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो हैं वो इस रात को जो सबसे अहम बयान फरमाया वो सूरह कदर के अंदर भी इसको जो है वो बयान फरमाया। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं जिसका मफहूम है कि हमने इस कुरान को शब कदर में नाजिल किया, और तुम क्या जानो कि शब कदर क्या है, शब कदर हज़ार महीनों से ज़्यादा बेहतर है, फरिश्ते और रूह उसमें अपने रब के अदन से हर हुक्म लेकर उतरते हैं, वो रात सरासर सलामती है तुलू फजर तक। मैं चाहूँगा किबला कि आप इसको परोशन करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अरसलान भाई आपका शुक्रिया। लैलतुल कद्र की रात, शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरआन हुदल लिन्नास बय्यिनात मिनल हुदा वल फुरक़ान वजअलत फ़ीह लैलतुल कद्र खैर मिन अल्फ शहर, जिस तरह आप भी पढ़ रहे हैं सूरह फिर कद्र की आयात हैं। बड़ी अजमत वाली रात है, को खुद कुरान ने कह दिया कि हज़ार महीनों की रातों से अफ़ज़ल लैलतुल कद्र, खैर मिन अल्फ शहर। तनज़्ज़ुल मलाइकत वर्रूह, ये वो रात है जिसमें मलाइका और रूहुल अमीन नाज़िल होते हैं, और क्या लेके आते हैं, पूरे साल भर के उमूर लेके आते हैं। अजमत की रात है, और इसको तलाश करने का और इस रात को पूरी इबादत में गुजारने का हुक्म है। वैसे तो हर रात माह मुबारक की अजीम रात है और इबादत कही गई है, और बल्कि इतनी अजमत है कि फ़ी है अनफासुकुम तस्बीह, वहाँ आपके नफ्से सांसें भी तस्बीह हैं, आमालुकुम फ़ीह मकबूल, इसमें आमाल भी आपके मकबूल हैं। लेकिन उसके बावजूद लैलतुल कद्र को जो अज़मत है वो साल भर की रातों में किसी रात को ये अज़मत हासिल है। हमारे बहुत बड़े आलम दीन गुजरे हैं, साहिब अल-ग़दीर आयतुल्ला अमीनी रहमतुल्ला अलैह, उन्होंने एक दफ़ा अपनी ज़िंदगी में पूरा पूरे साल 12 महीनों की रातों में लैलतुल कद्र के आमाल किए। अल्लाह, पूरे साल की 12 महीने आमाल किए, ताकि ये यकीन हो जाए कि मैंने अपनी ज़िंदगी में एक दफ़ा लैलतुल कद्र को हासिल ज़रूर किया है। सुभान अल्लाह। ये रिवायात है जो हमें कह रही हैं ताक या सिलसिला, लेकिन अजमत इतनी है कि लोग या बुजुर्गान पूरे पूरे साल की रातों की इबादत करते हैं, और लैलतुल कद्र की ये अजमत है, इस रात के आमाल हमें करना है, और वह आमाल कुतुब इबादात में मौजूद हैं। सारी रात जागें, गुस्ल करें, कुरान की तलावत करें, और वो नमाज़ें पढ़ें, वो मखसूस जो इबादात हैं वो हमें करने का हुक्म है। अच्छा, मखसूस इबादात क्या होनी चाहिए, इसके ऊपर भी प्रोग्राम के अंदर आगे बढ़कर बात करते हैं। मैं मुफ्ती साहब चाहूँगा कि चूँकि इस रात की मुख्तलिफ फ़ज़ाइल जो हैं वो सूरह तुल कदर के अंदर भी हमने पढ़े, लेकिन इसकी जो खसूसी अहमियत है इसको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भुला क्यों दिया गया, इसका तायुन आप पहले बतला दिया गया था फिर भुला दिया गया, उसकी रीज़न उसके पीछे क्या रीज़न है, इसके ऊपर भी रोशनी डालिएगा। और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान में फरमाते हैं कि और तुम क्या जानो कि शबे कदर क्या है, ये इस जानो से क्या मुराद है। मैं चाहूँगा इसकी तफसीर के अंदर कुछ थोड़ी सी आप बात फरमाएँ कि ये इससे इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा वाजह हो रही है कि अल्लाह ख़ुद फरमा रहे हैं कि और तुम क्या जानो, क्या कहीं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बतलाया है कि ये क्या है। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिही व असहाबिही अजमाईन इला यौमिद्दीन। लैलतुल क़द्र
पहले तो इसके अल्फाज पे अगर हम गौर करें तो ये वो रात है जिसमें इंसान की कदर बढ़ जाती है। जो जितना इसमें अल्लाह को मना लेगा उतना उसका मर्तबा बुलंद हो जाएगा। और फिर ये जो फरमाया गया कि ये एक रात हज़ार महीने से बेहतर है, यहाँ हज़ार महीना नहीं है कि सिर्फ हज़ार ही समझें, असल में अरबी के अंदर हज़ार से बड़ा लफ्ज़ कोई नहीं है। अल्फ से बड़ा आखिरी जो लफ्ज़ है वो अल्फुन है। ये तो अब जदीद अरबी में आके हमने इंग्लिश के कुछ अल्फाज को बदल के अरबी बना लिया। अगर अल्फुन से बड़ा कोई लफ्ज़ होता गिनती का तो अल्लाह शायद उसका जिक्र करते। तो यहाँ पर बराबर नहीं करार दिया, खैरुम मिन अल्फी शहर का है। मतलब ये है एक हज़ार महीने तक आप मुसलसल इबादत करके जिस मरतबे तक पहुँचोगे इस एक रात की इबादत तुम्हें वहाँ पहुँचा देगी। सुभानअल्लाह, इतनी अजमत वाली ये रात है। और इस लैलतुल कद्र की तायीन भी बता दी गई थी, नबी अलैहिस्सलाम को बता दिया गया था। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम घर से निकले कि मैं मस्जिद नबी में जाके सहाबा को बताऊँ, तो रास्ते में दो आदमी आपस में लड़ रहे थे, तो नबी अलैहिस्सलाम उनकी सुलह कराने में मसरूफ़ हुए तो वो आपके जहन से भुला दी गई। इस पे नबी अलैहिस्सलाम ने कि आपस में ना लड़ा करो, आपस की लड़ाई से इतना बड़ा नुकसान होता है कि देखो लैलतुल कद्र की तायीन उठा ली गई। अब अगर आपस में ना लड़ते तो लैलतुल कद्र की तायीन पता चल जाती किस रात में होती है तो कितना बड़ा फ़ायदा होता। लेकिन अल्लाह के हर काम में हिकमत होती है, इसमें भी बेहतरी है कि अगर एक ही रात होती तो हो सकता है हम उसे एक रात में ही इबादत करते बाकी ना करते जी। और ये भी हो सकता था उस एक रात में मैं इबादत न कर सकता और मैं परेशान हो जाता कि जी मुझे वो रात नहीं मिल सकी। तो अल्लाह ने हमारे लिए पांच रातें रख दी कि ताक रातें हों, आखिरी अशरा हो 21, 23, 25, 27, 29, इनमें से हर रात को ये समझो कि लैलतुल कद्र है, उसमें इबादत करो, अल्लाह को मनाओ। और क्या करना चाहिए, 21वें पारे की पहली आयत में तीन काम है जी। उतलु मा उहिया इलैका मिनल किताब व अकीमिस सला, के कुरान की तिलावत करो, नमाज पढ़ो और अल्लाह का जिक्र करो। इसलिए उलमा ने लिखा है कि सारी रात जागना ज़रूरी नहीं है, इबादत ज़रूरी है। और इबादत के लिए अगर आपकी तबीयत इजाज़त देती है कि मैं तीन घंटे जाग सकता हूँ तो आप तीन घंटे को तकसीम कर लें कि एक घंटा मैं कुरान की तिलावत करूंगा, एक घंटा मैं नवाफिल पढ़ूंगा और एक घंटे मैं अल्लाह का जिक्र करूंगा, तो उसको तकसीम कर लें। हमारे यहाँ ये जुमला जो मशहूर हो गया ना कि जागने की रात, जागने की रात, वो हमने ऐसे ही बना लिया कि जागते ज़रूर हैं इबादत नहीं करते। और फिर सुबह को पूछ रहे होते हैं यार लगता है कि रात लैलतुल कद्र थी, वो कहता है कुछ निशानी मुझे भी नज़र आई है, मुझे भी शक पड़ता है। अगर वो हो भी तो हमें क्या फ़ायदा हुआ, हम तो रात जागते रहे गप्पे लगाते रहे। फ़ायदा तो तब है कि रात हम इबादत करते और इबादत करने के बाद अगर पता चल जाए तो एक अच्छी बात है। अच्छा, इबादत में भी कौन सी इबादत की जाए और किसके ऊपर ज़्यादा जोर दिया जाए, क्या ये इजतमाई नवाफिल का तसव्वुर ये इबादत की एक शक्ल हो सकती है या इनफरादी घर में छुप कर अल्लाह से दुआ की जाए, मुनाजात की जाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हजूर जो है अपने गुनाहों पर तौबा की जाए। देखिए लैलतुल कद्र की जो इबादत है वो फ़र्ज़ नहीं है, वाजिब भी नहीं है, इसलिए इज्तमाई भी नहीं है। फ़िक़्ह हनफी का जो उसूल है वो ये है कि नफली इबादत जो होती है वो इज्तमाई नहीं होती, नवाफिल की जमात भी नहीं है, इसलिए इनफरादी इबादत की जाए और अपनी हैसियत के मुताबिक अपनी सेहत के मुताबिक की जाए। और अगर कुछ भी नहीं कर सकते तो इशा की नमाज जमात से पढ़ लें, फजर की नमाज जमात से पढ़ लें, पूरी रात की इबादत का सवाब मिल जाता है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक मरतबा देखा कि मस्जिद नबी में एक साहिब जिनका नाम हज़रत सलमान था वो फजर की नमाज में नहीं थे, तो आप उनके घर के पास से गुजरे तो मालूम किया, तो उनकी वालदा ने बताया कि सारी रात जागते रहे इबादत करते रहे तो सुबह थकावट हो गई तो घर पे ही नमाज फजर की पढ़ के सो गए। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला इस मौके पर फरमाया कि मैं सारी रात सोता रहूँ, फजर की नमाज जमात से पढ़ लूँ, मेरे नज़दीक उससे ज़्यादा बेहतर है कि सारी रात इबादत करूँ और फजर की नमाज जमात से ना पढ़ सकूँ। क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ईशा की नमाज जमात से पढ़ना ऐसे है गोया आधी रात इबादत कर ली, और जिसने फजर की नमाज जमात से पढ़ ली उसने आधी रात इबादत कर ली, जिसने दोनों पढ़ ली जमात से तो गोया पूरी रात इबादत हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बहुत जी मुकम्मल कर लें आप। सबसे बड़ी बात जो हमें करनी चाहिए अल्लाह से माफ़ी है, इस्तफार मांग करना, तौबा करना, अल्लाह से माफ़ी मांगना। अल्लाह ने माफ़ कर दिया तो सबको ठीक है। फिर हमारे यहाँ नवाफिल पे जोर दिया जाता है, लेकिन जो नमाजें हमारे जिम्मे कज़ा हैं वो कौन पढ़ेगा? कज़ा नमाज जो हमारी छूट गई, इंसान को पता होता है कितनी रह गई मेरी, उसका अंदाज़ा लगा ले,
अंदाज़ा लगा के ताक रातों में पढ़ना शुरू कर दे ताकि कज़ा नमाज़ें अदा हो जाएँ। नवाफिल से ज़्यादा एहतमाम कज़ा नमाज़ों का होना चाहिए। हमारे यहाँ सलातो तस्बीह का बड़ा खसूसी एहतमाम किया जाता है, वो भी फजीलत के अतबार से अपनी जगह पर है, लेकिन है। आप ये कह रहे हैं कि अगर फ़र्ज किसी का बाकी है तो पहले उसको अदा करें। हाँ, पहले उसको अदा करें, ठीक, उसको जितना ज़्यादा कर सकता है वो अदा करें, और जब वो अदा हो गए हैं कि दिल मुतमिन है कि मेरे जिम्मे कोई कज़ा नमाज नहीं, अब जितने मर्जी नवाफिल पढ़ें खूब पढ़ें, क्योंकि जो हिसाब होगा वो फ़र्ज नमाज का होगा, और फ़र्ज़ नमाज में जो कमी रहेगी वो फिर नवाफिल से पूरी की जाएगी। लेकिन एक बंदा फ़र्ज़ पढ़ता ही नहीं, इसको मिसाल यूँ समझ लीजिए कि जो लाजमी मजामीन है उसमें फ़ेल हो रहा है, इख्तियारी में पास हो रहा है, कोई डिग्री देगा उसको? बिल्कुल ठीक है, मुझे एक ब्रेक पे जाना है जी। ब्रेक से वापस आते हैं तो फिर लैलतुल कदर की फजीलत के ऊपर हम बात कर रहे हैं प्रोग्राम के अंदर, ब्रेक लेते हैं, मेरे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, लैलतुल कदर की फजीलत और उसकी अहमियत के ऊपर आज के प्रोग्राम के अंदर हम बात कर रहे हैं। मेरे सामने सूरह दुखान की आयत है जिसका तर्जमा हज़रत मैं चाहूँगा कि बेशक हमने कुरान को एक बाबरकत रात में नाजिल किया है, बेशक हम डराने वाले थे, और ये रात माह रमज़ान में थी जिसकी तस्री अल्लाह ताला ने सूरह बकरा आयत नंबर 58 में फरमा दिए। तो रमज़ान का महीना वो है जिसमें कुरान नाजिल किया गया। हज़रत कुरान पाक भी खसूसी तौर पर किताबुल हदायत है ये, और फिर ये इसी रात के अंदर जो है वो खसूसी तौर पर इसकी अहमियत के ऊपर बात की गई कि ये नाजिल होती है। मैं चाहूँगा कि जिस तरह से कुरान पाक सर चश्मा हदायत है मुकम्मल तौर पर और इस रात के अंदर ये नाजिल होता है, तो इस रात की ज़ाहिर अहमियत तो हमारे सामने वाजह होगी, लेकिन कुरान पाक से जो हम खसूसी तौर पर हदायत ले सकते हैं और हम नहीं ले पा रहे, मैं चाहूँगा इसके ऊपर आप रोशनी डालें कि कुरान पाक ख़ुद एक बहुत बड़ा जो है वो नुस्खा है और इसको हम अहमियत उस तरह से नहीं देते, अपनी ज़िंदगी का अपनाते नहीं हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरसलान भाई, मैं पहले जो थोड़ा सा आपकी इजाज़त से उसको भी आपने कहा ना, इस आयत का तर्जमा आपने किया, वमा अदरा का मा लैलतुल कद्र, तुम क्या जानो कि लैलतुल कद्र क्या है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ये आयत, ये अल्फाज जी, ये नहीं, इसका माना ये है कि ये इतनी अजमत है कि तुम इस अजमत का जितना भी इदराक कर लो तब भी नहीं कर सकते। इसका मकाम इतना बड़ा है, इसका मकाम इतना बुलंद है, इस रात की इतनी अजमत है कि जितनी भी तुम तसव्वुर कर सको तब भी तुम इसका इदराक नहीं कर सकते। जैसे कहीं कभी एक अच्छे बेटे को कहा जाए, बेशक तू बाप की इज्जत करता है, इज्जत समझता है, लेकिन फिर भी तू नहीं समझ सकता माँ बाप की इज्जत क्या है, माँ बाप का कितना एहतराम होना चाहिए। ये नहीं माना कि वो बेहतरामी कर रहा है या वो एहतराम नहीं कर रहा, एहतराम कर रहा है, लेकिन माँ बाप की अजमत इतनी है। और इस रात की क्यों ना अजमत हो कि खुद कुरान जो किताब हिदायत है, उन जिलाफी है कुरान, इसमें कुरान को नाजिल किया गया जो किताब हिदायत है, इससे बड़ी अजमत इसकी क्या हो सकती है। लैलतुल कद्र, मौलाना साहब ने भी कहा, तकदीर की है तमाम उमूर इस रात में मलाइका और रूहुल अमीन लेके आते हैं, जो साल भर होना है इस निज़ाम में वो इस रात उतरता है। ये निज़ाम सारा इस तरीके से है, इसलिए इसकी इबादत और इसकी, इसलिए तो कुरान की जहाँ तक आपने बात की, मैं मौला अली का जुमला यहाँ ज़रूर कहूँगा जो कलमाते के सार नाज बलागा में कहा, याति अल्लाह से ज़मानल्ला जब कफ़ी मिनल कुरान इल्ला रस्मों व मिनल इस्लाम इल्ला इस्मों, क्या इन करीब एक ज़माना आने वाला ना कुरान का कुछ बाकी रहेगा ना इस्लाम का कुछ बचेगा, कुरान रस्म हो के रह जाएगा, इस्लाम नाम हो के रह जाएगा। हकीकत भी यही है, इस्लाम निज़ाम है जो हमारी ज़िंदगी के लिए आया था, कुरान किताब हिदायत है, हमने इसे फ़कत किताब सवाब समझ लिया है या किताब तलावत समझ लिया है, बस इसकी तलावत कर ली जाए और सवाब हासिल कर लिया जाए। जो हिदायत है, हादा बयानुल लिन्नास हुदन व मौइज़तन लिलमुत्तकीन, कुरान आया तो तमाम लोगों के लिए है, लेकिन इससे हिदायत और मौइज़े का मकाम जो है वो मुत्तकीन के लिए है। आया हम वो हासिल कर रहे हैं, यही हमारी बदबख्ती है कि हमने किताब से जो हिदायत हमने लेनी थी हमने वो नहीं ली। हुदन लिलमुत्तकीन, ये मुत्तकीन के लिए हिदायत थी, ये वफ़ी है शिफाउन, इस कुरान में अल्लाह ने शिफा रखी है, इसमें रहमत रखी है, इसमें हिदायत रखी है, और वो कुरान जो दिलों को रोशन करता है।
जो आपके खुलूब को रोशनी देता है। इसलिए हदीस में है कि तलावत करो ताकि तुम्हारे दिल जिंदा हो जाए, तुम्हारा तलावत करो ताकि तुम्हारा दिल रोशन हो जाए। नव्वरु बुजूतकुम बितलावत अल-कुरान, अपने घरों में कुरान की तलावत करो और उस तलावत से कुरान को रोशन, घरों को रोशन करो। नव्वरु कुलूबकुम बितलावत अल-कुरान, अपने दिलों को कुरान की तलावत से। तो मैं यहाँ एक जुमला कहना चाहता हूँ आपकी इजाज़त से, अगर कुरान की तलावत से दिल और घर रोशन हो सकता है तो कुरान की हिदायत से क्या कुछ नहीं हासिल होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमने वो हिदायत की तरफ जाते क्यों नहीं है? ये कोई किस्से कहानी की किताब तो नहीं है, ये कोई डाइजेस्ट तो नहीं है जी, बिल्कुल, कि इसको पढ़ के हमने छोड़ देना है। ये हमारे लिए हिदायत रास्ता है। जो हम अल्लाह से रास्ता तलब करते हैं, एहदिनस सिरातल मुस्तकीम, उस सिरात मुस्तकीम पे ले जाने वाली ये कुरान है। बिल्कुल ठीक है। मैं हजरत इसमें एक चीज़ और जानना चाहूँगा, मुझसे मैं आपके पास आना चाहूँगा। एक तो शबे कदर की इलामात के ऊपर थोड़ी सी बात हो जाए। मेरे सामने हजरत अबादा बिन सामत रजी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है, एक हदीस है, मैं चाहूँगा। ये रात चमकदार और साफ़ सुथरी होती है, ना ज़्यादा गर्म और ना ज़्यादा ठंडी होती है, बल्कि भीनी भीनी और मोतदिल होती है। इस रात को शयातीन को सितारे नहीं मारे जाते। आसमानों की तरफ निगाह उठाकर देखने से आंखों में नूर और दिल में सुरूर की कैफियत पैदा होती है। इसके बाद आगे लिखा हुआ है कि शब कदर के बाद वाली सुबह को सूरज में तेज़ी नहीं होती। ये चंद एक अलामात हैं जो हमें हमारे हदीस से भी वाजह होती हैं। हमारे इसलाफ का क्या तजर्बा रहा, उन्होंने जब इस रात को पाया तो कैसा पाया, कुतुब से हमें क्या मिलता है? देखिए, जो निशानियाँ अहादीस में हैं, सहाबा किराम से मनकूल हैं, वो भी हैं, उसके अलावा भी हैं कि बाद हजरात का तजर्बा ये है कि इस रात में कुत्ते नहीं भौंकते। ठीक है, ये भी है, ठीक है। और ये जो है कि सुबह को सूरज निकलता है तो उसकी रोशनी चुभने वाली नहीं होती, यानी उसको आप आराम आराम से तसल्ली से देख सकते हैं। इसके अलावा भी दिलों में एक इत्मीनान की कैफियत होती है, लैलतुल्कद्र मुझे कुदरती तौर पे दिलों में एक इत्मीनान, एक सुकून सा महसूस होता है। और असल चीज़ जो है वो तो है, देखिए ये निशानियाँ अगर मिल भी जाएँ, हमें पता भी चल जाए, लेकिन मैंने अगर उसे फ़ायदा ना उठाया, उस रात मैंने इबादत ना की, अल्लाह को ना मनाया मैंने, तो फिर क्या फ़ायदा? हम लोग, मैं बता रहा हूँ, पहले अर्ज़ की थी कि हम लोग निशानियों के चक्कर में पड़े रहते हैं, लेकिन जो असल मकसद है उसकी तरफ नहीं आते। जो असल मकसद है वो तो यही है कि हम इबादत करके रब को मना लें, रब हमसे राज़ी हो जाए, अल्लाह ने माफ़ कर दिया तो सब कुछ ठीक हो गया। और अगर माफ़ी ना मिली और हमने रब को ना मनाया तो बेशक हम एक नहीं दस निशानियां देखते रहे, उससे हमें क्या फ़ायदा होगा? असल चीज़ ये है कि, और अल्लाह ने हमें एक मौका दिया है, एक चांस दिया है कि लैलतुल कदर में तुम मुझे राज़ी कर लो। तो मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि हज़ार महीने मुसलसल इबादत कर करके उस मकाम तक जो तुम पहुँचोगे ना, इस एक रात में रब वहाँ पहुँचा देता है। यानी इसको यूँ भी समझिए कि जिस तरह अल्लाह वालों के पास बैठते हैं और जिक्र अज़कार में मशगूल होते हैं, तवज्जुहात में मशगूल होते हैं, तो रूहानी तरक्की होती है। तो एक यानी हज़ार महीने तक आप किसी अल्लाह वाले की सोबत में बैठ के जो रूहानी तरक्की पाओगे ना, ये रात ऐसी मुबारक है कि इसकी इबादतों में उस रूहानी तरक्की तक पहुँचा देगी। ये एक रात की इबादत, तो इसलिए हमें चाहिए कि हम इबादत की तरफ तवज्जो दें, सिर्फ ये निशानियां देखते रहना और बातें करते रहना और जागते अच्छा, रहना। इसमें दुआ की कबूलियत भी जो है वो लाजिम है कि अगर हम इस रात में अल्लाह से दुआ करते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी दुआओं को कबूल फरमाते हैं। मैं चाहूँगा कि खसूसी तौर पर कोई दुआओं का एहतमाम होना चाहिए, इतमाही दुआ का कोई तसव्वुर होना चाहिए, या इनफरादी दुआ के ऊपर अहमियत देनी चाहिए? देखिए, दुआओं का एहतमाम तो ज़रूर हो, इनफरादी ही हो, ठीक है, लेकिन जो नमाज़ें फ़र्ज़ हम पढ़ रहे हैं, मसलन ईशा की नमाज़ पढ़ रहे हैं, मगरिब ही से तो लैलतुल क़द्र शुरू हो जाती है, मगरिब के फ़र्ज़ों के बाद दुआ कर रहे हैं, ईशा के फ़र्ज़ों के बाद दुआ कर रहे हैं, इस तरावी के बाद दुआ कर रहे हैं, तो उसमें तो इज्तमाई दुआ होगी, उसमें भी एहतमाम हो जाए। और इनफरादी ख़ास तौर पर हर बंदा, क्योंकि अपने आप को जानता है कि मेरे अंदर कौन सी कमियाँ हैं, कौन सी कोताहियाँ हैं, अपने 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 गुनाहों को याद करके रब से माफ़ी मांगे। और फिर देखिए, सबसे कीमती दुआ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महबूबा सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उम्मुल मोमिनीन, उन्होंने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मुझे पता चल जाए कि आज लैलतुल क़द्र है तो मैं अल्लाह से क्या मांगूँ? तो आपने फरमाया कि यूँ कहो, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुवन, अल्लाह आप तो माफ़ करने वाले हैं, तो हिब्बुल अफ़्वा, आप माफ़ी को पसंद करते हैं, फ़ाफ़ु अन्नी, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। तो असल चीज़ वही है कि हम अल्लाह से माफ़ी मांग लें, अपने आप को माफ करवा लें। अच्छा, दूसरा ये जो हमारा एक मौजू चल रहा था कुरान करीम के नुजूल का, जी कुरान करीम के दो नुजूल हैं,
एक लोहे महफूज से नाजिल हुआ आसमानी दुनिया तक, ये इकट्ठा आया है ठीक, और उसकी तरफ इशारा इन्ना अनज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, और ये लैलतुल क़द्र में आया। हाँ, लैलतुल क़द्र में लोहे महफूज से आसमानी दुनिया तक इकट्ठा एक ही वक्त में आ गया ठीक। फिर इसका जो दुनिया में आगाज़ हो रहा है नुज़ूल का, वो बज़ाहिर पे 23 साल का अरसा लगा है, लेकिन आगाज़ जो लैलतुल क़द्र में हो रहा है, जब ग़ारे हिरा में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे तो वो लैलतुल क़द्र थी, उसमें पहली वही इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, ये नाजिल हुई। उसके बाद फिर बाकी कुरान करीम की वही जो है वो आती रही और नाजिल होता रहा। बिल्कुल ठीक है, मुझे एक ब्रेक पे जाना है, मैं ब्रेक से वापस आता हूँ। तो फिर चूँकि लैलतुल क़द्र की खुसूसी अहमियत के ऊपर बात करें, इसमें आगे बढ़कर मैं चाहूँगा कि रमज़ान मुबारक का चूँकि आखिरी अशरा चल रहा है, और आगे बढ़कर फिर एक लैलतुल जायज़ा की रात भी आती है जिसको रमज़ान मुबारक की आखिरी रात कहा जाता है, सुबह ईद होती है, उस रात में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो जितने पूरे रमज़ान में लोगों को माफ़ किया होता है, उतने उस रात के अंदर जो है वो लोगों को उनके गुनाहों से माफ़ी दी जाती है, उसके ऊपर भी थोड़ी सी बात करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं जी, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, लैलतुल क़द्र की फजीलत और अहमियत के ऊपर हम बात कर रहे हैं। मेरे सामने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जिसका मफहूम है कि जो शख्स लैलतुल क़द्र में ईमान के साथ और अजर व सवाब की नीयत से नमाज में क़याम करता है तो उसके पिछले सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। हज़रत अंस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लैलतुल क़द्र की फजीलत बयान करते हुए इरशाद फरमाया कि शब कदर को जिब्राइल अमीन फरिश्तों के झुरमट में ज़मीन पर उतर आते हैं, वो हर शख्स और वो हर उस शख्स के लिए दुआए मगफरत करते हैं जो खड़े बैठे किसी हाल में अल्लाह को याद कर रहा हो। हज़रत, ये तो फजीलत के एतबार से बहुत बड़ी हुई रात है, तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें ये रात जो है वो नसीब फरमाए, उसकी इबादत करना नसीब फरमाए, कि जिब्राइल अमीन जो है वो नीचे उतरते हैं और दुआ करते हैं। तो हम खसूसी तौर पर इस रात के अंदर जिन दुआओं का एहतमाम कर सकते हैं, मैं चाहूँगा उसके ऊपर रोशनी डालें। सलाम भाई, मैं पहले भी अर्ज़ किया था कि खुतबे शाबानिया जी करम ने दिया रमजान के इस्तकबाल में, शाबान मुअज़्ज़म में, उसके ये पहले जुमले थे तस्बीह व दुआ मुस्तजाब व आमाल मकबूल, सुभानअल्लाह। ये वो माह मुबारक है जो शाहरुल्लाह है, शाहर तौबा है, शाहर रामा है, शाहर मुकबला है, ये जुमले ठीक ठीक। इसमें तुम्हारा सोना भी इबादत है, इसमें तुम्हारी सांसें ये तस्बीह खुदा के लिए शुमार होती है, इसमें तुम्हारी जो है आमाल मकबूल है। देखिए, हम नमाज पढ़े, रोजा रखे, मालूम नहीं अल्लाह कबूल करता है, लेकिन यहाँ पहले जमानत दे दी कि यहाँ जो आप आमाल करेंगे, आमाल गुफी है मकबूल, वो आमाल मकबूल है, दुआओं को मुस्तजाब। इस माह मुबारक में जो तुम दुआ करोगे, दुआ कबूल, सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत वैसे भी कुरान में जी वो दूर नहीं हस्ता जब लखो, तुम दुआ मांगो मैं तुम्हारी दुआ। अच्छा, दुआ करते हुए रोना जरूरी है, और जिसको रोना ना आए, ये तो देखिए रोना कैफियत क्या होनी चाहिए, एक है दुआ का पढ़ना, एक है दुआ मांगना, कौन सी कैफियत के साथ अल्लाह से मांगा जाए? देखिए जी, असल दुआ पढ़ना ही नहीं है जी, दुआ पढ़ते हुए दुआ जो है वो दर हकीकत दिल से निकले, मांगी जाए, इंसान अल्लाह से मांगता है। अरबी दुआओं की ज्यादा अहमियत है या उर्दू में अपनी जुबान में अल्लाह से तलब करना, अपनी जरूरत को बयान? अरबी जुबान खुदा की जुबान है, कुरान की जुबान है, इस्लाम की जुबान, ठीक। वाइल्ला ये नहीं कि आप पंजाबी में मांगे, उर्दू में मांगे, अल्लाह सुनता नहीं है। अगर आपको अरबी दुआएं नहीं आती तो आप अपनी जुबान में मांगे, ठीक। आप अपनी जुबान मांगे, खुदा सुनता है, ठीक। और वो और कैफियत होनी चाहिए कि अंदर से मांगे, बिल्कुल अंदर से मांगे। जैसे बच्चा माँ बाप से लड़ झगड़ की चीजें मांगता है, रो के मांगता है, गिड़गिड़ा के मांगता है, वो जब वो मांगते देखता नहीं है, वो कहता है मैंने मांगना है और मैंने लेना है अपने माँ बाप से ये चीज, बच्चा ले के उठता है। खुदा के हुजूर भी इस तरह जाने चाहिए जैसे बच्चा माँ बाप के पास जाता है, सुभान अल्लाह, के खुदा के दरवाजे में वो दुआ आपकी हो गया, दुआ सिला उल मोमिन, दुआ मोमिन का असला है,
दुआ है जिससे आप खुदा को राजी कर सकते हैं, दुआ से मां खुदा से मांग सकते हैं जी। दुआएं कुरान मजीद की बड़ी आयत है, आप खुदा अब वालिदैन के लिए दुआ करें अजीज, अब्बा कुल वालिदैया वलिल मोमिनीन यौम यकूम الحساب, ये कुरानी दुआएं बिल्कुल ऐसे हैं। फिद दुनिया हसना फिल आखिरत हसना कना अज़ाब النار, ये बड़ी दुआ है। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल मांगे। मैं आगे बढ़ना चाहूँगा मुफ्त साहब, मुझे ये बताइएगा, ये हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मेरे सामने है जो मैंने पहले भी पढ़ी, इसमें फरमाया गया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं। ये सारे गुनाहों से माफ़ी से क्या मुराद है? क्या हमने नमाज़ें नहीं पढ़ी होंगी, क्या वो उसका गुनाह भी माफ़ हो जाएगा? हमने किसी का हक देना है, क्या वो भी माफ़ हो जाएगा? गुनाहों से माफ़ी से क्या मुराद है? देखिए, गुनाह दो किस्म के हैं जिनको आम तौर पे समझाने के लिए गुनाह सगीरा और गुनाह कबीरा कह देते हैं। ठीक है, ठीक है। गुनाह सगीरा वो होते हैं जो अपनी ज़ात के मुतालिक होते हैं उमूमन, और जिसमें हराम का इर्तकाब ना हो या फ़राइज़ में कोताही ना हो, तो वो तो तौबा से और नमाज़ पढ़ने से, नेक अमल से माफ़ हो जाते हैं। ठीक। क्योंकि कुरान करीम में भी है, इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यिआत, जब इंसान कोई नेकी करता है तो उस नेकी की बरकत से गुनाह माफ़ हो जाते हैं। ठीक है। लेकिन जो फ़राइज़ हैं, मसलन रोज़ा फ़र्ज है वो छोड़ दिया जी, नमाज फ़र्ज़ है वो नहीं अदा की, इस तरह ज़कात उसके ज़िम्मे फ़र्ज़ हो गई थी उसने ज़कात अदा नहीं की जी, या हज उसके ज़िम्मे फ़र्ज़ हो चुका था उसने कोताही की हज नहीं किया जी। अब ये जो चीज़ें जो फ़राइज़ में आ जाती हैं या वाजिबात में आ जाती हैं, ये सिर्फ तौबा से माफ़ नहीं होते जब तक इनको अदा नहीं करेंगे। ठीक है। इसी तरह किसी का हक मारा हुआ है, किसी का हक दबाया हुआ है, बंदा तौबा करता रहे कि लैलतुल क़द्र में मेरी बड़ी तौबा की, सारा कुछ माफ़ हो गया। जो हुकूकुल इबाद हैं, जो बंदों के हक हैं, जो बंदों से मुतल्लिका चीज़ें हैं, जब तक वो माफ़ नहीं करेंगे अल्लाह भी माफ़ नहीं करता। जब वो माफ़ी उनसे मांगे या उनकी वो चीज़ उनको अदा करें, जिस तरह बहन का विरासत में हिस्सा है, ठीक है, लेकिन नहीं दिया किसी ने और अब उसको एहसास हुआ कि मैंने गलती की, तो अब हालात उसके ऐसे हैं कि वो दे नहीं सकता, ठीक है, अब वो बहन से माफ़ी मांग ले कि बहन तेरा हक बनता था, मैंने अदा नहीं किया था, मुझसे गलती हो गई, अब मेरे पास है नहीं है, अगर मेरे पास वसाइल हुए तो मैं अदा कर दूंगा, वरना तो मुझे माफ़ कर दे। अगर वो माफ़ कर देती है बहन अपना हिस्सा तो ठीक है, माफ़ी हो गई, या ये अदा कर देता है तो माफ़ी हो गई। लेकिन हक भी अदा ना करें, किसी से माफ़ी भी ना मांगें, और मैं सिर्फ ये समझता रहूँ कि मैंने दुआ कर ली सब कुछ माफ़ हो गया, ऐसे नहीं होता। जो हुकूकुल इबाद हैं वो माफ़ी मांगनी पड़ेगी या उसका हक अदा करना पड़ेगा। और हज़रत, ये जो हमारे रोज़मर्रा अमूर के अंदर हम मिसाल के तौर पर शराब पी ली, ज़िना कर लिया, हम गीबत कर ली, झूठ बोला, किसी को नाहक कत्ल कर दिया, ये जो हमारे गुनाह हैं, इन गुनाहों की माफ़ी मांगने से मिल जाती है? देखिए, इसमें भी वही मामला आ जाता है कि आपको दूसरे से माफ़ करवाना पड़ता है। देखिए, शराब का ताल्लुक तो अपनी ज़ात के साथ होगा, ठीक है, इस तरह ज़िना का ताल्लुक भी अपनी ज़ात के साथ होगा, ठीक है, वो तो माफ़ी मांगेंगे अल्लाह से, अल्लाह माफ़ कर देंगे, लेकिन उसमें भी शर्तें हैं। एक तो ये है कि गुनाह पे शर्मिंदगी हो कि वाकई मैंने गलत किया है, और आइंदा वो गुनाह न करने का इरादा हो, आज़म पक्का आज़म हो कि आइंदा नहीं करूँगा, ठीक है, फिर ये तौबा कबूल होती है। लेकिन जिसका ताल्लुक किसी की ज़ात के साथ है, जैसे कत्ल किया, उसका ताल्लुक मेरी ज़ात के साथ तो नहीं, ठीक, वो तो मैंने एक बंदे का नुकसान किया है, फिर उसके वरासा का भी उसके ताल्लुक है, वो तो एक अलग मामला, एक अलग मामला। और झूठ का मामला, झूठ का मामला अगर तो किसी से मुतालका है, बस तोहमत लगा दी किसी के बारे में, झूठ बोला, तो वो अगर उसके मुतालका है तो उससे माफ़ी मांगेंगे तो माफ़ी होगी, ठीक है। और अगर अपनी ज़ात के मुतालिक है कि मैंने कोई काम किया है, मुझसे किसी ने पूछा किया, मैं झूठ बोले नहीं किया, वो तो मेरी ज़ात के मुतालिक है ना, तो उसकी माफ़ी तो मैं अल्लाह से मांगूंगा, अल्लाह माफ़ कर देंगे, ठीक। हमेशा उसूल याद रखना चाहिए, जिसका ताल्लुक, जिस गुनाह का ताल्लुक या जिस हक का ताल्लुक किसी दूसरे के साथ होगा, जब तक वो माफ़ नहीं करेगा तो ये माफ़ी नहीं होगी, ठीक है। इसमें एक बात और मैं अर्ज़ कर दूँ, लैलतुल क़द्र की बड़ी फजीलत है, इसमें कोई शक नहीं, ठीक है। लेकिन अहदीस में है कि बाज़ लोग ऐसे हैं जिनकी इस रात में भी मगफरत नहीं होती, उनमें से एक आ जाएगा शराबी अगर वो तौबा नहीं करता, इसी तरह नाहक कत्ल करने वाला, इसी तरह माँ बाप का नाफरमान। ये नहीं है कि माँ बाप नाराज़ बैठे हैं और ये यहाँ सारी रात इबादत कर रहा है, माँ बाप को पहले राज़ी करे। इसी तरह कता तालकी करने वाला, ठीक है, यानी रिश्तेदारियों को तोड़ने वाला, ठीक है, वो जब तक तौबा नहीं करता, माफ़ी नहीं मांगता, रिश्तेदारों जो नाराज़ हैं उनसे सुलह नहीं करता, उस वक्त तक इसकी माफ़ी नहीं है, इसकी तौबा कबूल नहीं होती।
इसलिए इन चीज़ों का भी बड़ा हमें एहतमाम करना चाहिए। और ख़ास तौर अच्छा हज़रत, इसमें कता तल्लुकी के अंदर दो चीज़ें फिर आगे मज़ीद आ जाती हैं। एक है कि आपने अपने किसी रिश्तेदार के साथ कई मरतबा उसको आजमाइश की, देखा कि आप उसके साथ ताल्लुक बना के रखना चाहते हैं लेकिन वो आपके साथ ताल्लुक बना के नहीं रखना चाहता। आपने अपनी तरफ से 2-4-10 दफ़ा कोशिश की लेकिन रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिला, अब आप खामोश हो गए। ये भी कता ताल्लुकी के ज़ुमरे में आता है या कि इसको उसके साथ मुसलसल जाके कोशिश करनी है और उसके साथ उस तरह के ताल्लुकात वाबस्ता दोबारा से करने हैं जैसे पहले थे? देखिए, जो आपके बस में है वो आपने करना है ना, ठीक है। आपने कोशिश की, वो ताल्लुक नहीं रखना चाहता लेकिन आप नाराज नहीं है, आप ताल्लुक ख़त्म नहीं कर रहे, वो ख़त्म कर रहा है, तो गुनाहगार वो है, आप नहीं है, ठीक है। ठीक है, इस पे आपको कता ताल्लुक नहीं कहा जाएगा कि कता रहमी करने वाले आप हैं, ये नहीं कहा जाएगा। क्यों? आपने तो कोशिश कर ली, कोशिश के बाद आपके दिल में मैल नहीं है, ठीक है, अपने दिल को साफ रखें बस। तो अब जो नहीं, आपके साथ मेरी अच्छी दोस्ती थी, हम रोजाना उठते बैठते थे, खाते पीते थे, कहीं आना जाना, मामलात हमारे इकट्ठे थे, किसी वजह से हमारी नाराजगी हो गई और हम एक अरसा एक दूसरे से नाराज रहे लेकिन बाद में फिर हमारी सुलह हो गई, लेकिन अब वो ताल्लुक बहाल ना हो सका। सुलह हमने कर ली लेकिन वो पुराने वाला ताल्लुक बहाल ना हो सका, तो अब हम किस जुमरे के अंदर आते हैं? जब हमारी सुलह हो गई ना, बेशक पहले वाला ताल्लुक नहीं होगा, ठीक है, लेकिन ये नाराजगी के जुमरे में नहीं आएगा, नहीं आएगा, ठीक हो गया। पहले वाला ताल्लुक तो बनता भी नहीं होता, बड़ा मुश्किल हो जाता है, जहाँ आदमी को खास तौर पे ठेस पहुंची हो तो वहाँ पहले वाला ताल्लुक नहीं बनता। बस हुक्म ये है कि जो रिश्ता ख़त्म कर देते हैं ना, इसको कता ताल्लुकी कहते हैं कि आज के बाद तू मेरा भाई नहीं, मैं तेरा भाई नहीं। बिल्कुल ठीक है। ये मुख्तसरन बताइएगा, वक्त कम है, किसी के साथ कोई मामला करना हो, उस मामले के अंदर आपने उसका जो है वो कोई पैसे देने हैं, कोई लेन देन है, कोई कर्ज का मामला है, आपने कोई वादा खिलाफी की है, इन मामलात की भी इस रात के अंदर गुनाहों से माफ़ी मिल जाती है? बिल्कुल, सिवाय वो गुनाह भाई जैसे शिर्क है या किसी मासूम का, नबी का, इमाम का कत्ल है, ठीक, या ऐसे गुनाह जिनके लिए अल्लाह ने जहन्नम हमेशा के लिए जहन्नम लिख दी है, अगर ऐसे गुनाह हैं तो वो तो नहीं, बाकी गुनाह जिस किस्म के भी, अगर तौबा करें, अगर हो तौबा सही तो अल्लाह माफ़ करता है। सुभान अल्लाह, खुद अल्लाह कहता है मैं उनको भी पसंद करता हूँ जो माफ़ करने वाले। लेकिन जो इंसानों से मुतलका हैं, मामलात से मुतलका हैं, वो आपको अदा करने पड़ेंगे, ठीक, मामलात तो हैं ना, वो हुकूक उल इबाद तो हैं। वैसे भी मौला कायनात नाजबलावा में फरमाते हैं कि इंसान को नमाजों से ना देखो, रोज़ों से ना देखो, हज ना देखो कि ये बड़ी नमाजें पढ़ता है, ये बड़े रोज़े रखता है, ये बड़े हज करता है, इसको देखना है तो मामलात में देखो। सही मुसलमान हुआ है जो मामलात में ठीक हो, तो हुकूक उल इबाद मामलात में आते हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। बंदों के साथ मामलात कैसे? हज़रत, मेरे सामने एक हदीस है जिसका मफहूम है कि जिसको इस रात में भी जिसने अपने गुनाहों की बख्शिश ना की वो अल्लाह की रहमत से महरूम हो जाता है। तो ये हम गफलत में डूबे रहे और अल्लाह की रहमत से जो है वो ज़ाहिर महरूम हो गए, लेकिन कुछ अरसे के बाद एहसास होता है, अपने गुनाहों पे तौबा करती हैं, रुजू के दरवाज़ा तो खुला है ना अल्लाह का, वो तो क़यामत तक के उस दिन के लिए तक के लिए खुला है, मौत तक के लिए खुला है जब तक आपकी मौत नहीं आती। बिल्कुल ठीक है, आप दोनों मौलाना को बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने प्रोग्राम देखा, हमने आज ख़ुसूसी तौर पर लैलतुल कद्र के मौजू के ऊपर बात की। अब तक के लिए इतना ही, आपसे कल एक नए मौजू के साथ मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। करम की एक नज़र हम पर खुदारा या रसूल करम की एक नज़र हम पर खुदारा या रसूल तुम ही हो बेसहारों का सहारा या रसूल गरीबों के हैं दाता बेकसों के आप वाली हैं मोहब्बत आपकी दिल में है लेकिन हाथ खाली है हाथ खाली है
इधर भी अपनी रहमत का इशारा या रसूल अल्लाह, करम की एक नजर हम पर पुकारा है मदद को या नबी, हम बेसहारों ने तुम्हें उम्मत है प्यारी और तुम अल्लाह के प्यारों में, अल्लाह के प्यारों में हमें भी आसरा है बस तुम्हारा या रसूल अल्लाह, करम की एक नजर हम पर खुदारा या रसूल अल्लाह, करम की एक नजर पर अल्लाह है।